हमारा दो दिन से नेट बंद था जिसकी वजह से हम अपना ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर सके। तो अभी आज हमारा नेट आया है, 2-3 घंटे हो गए मैं ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा। 1 घंटे बाद 1% होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अब अपनी आंटी के घर जाती हूँ, वहाँ पे जाके अपलोड कर लेती हूँ। मैं थप्पड़ मार दूंगी। टू थाउजेंड दिए हैं, 200 नहीं 2000। क्या बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ आंटी के घर व्लॉग अपलोड करने के लिए, तो वहाँ से आके व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस फाइनली आई एम बैक। मैं गई थी आंटी के घर 4:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अब मैं घर आई हूँ तो फूफो आई हुई है क्योंकि हमने फूफो की दावत किया है, तो आज का व्लॉग भी थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। और अभी हम रोटियां बना के फारिग हुए हैं और इस बार हमारा आटा इतना प्यारा है ना, एकदम चिट्टा चिट्टा और वाइट। खाते जाओ। हाँ जी, इतनी अच्छी लगती हैं ये रोटियां। मामा ने मैंने रोटियां बनाई हैं और बाहत ने रायता बनाया है। और यहाँ पे हमने बर्तन धो के ना उल्टे करके रख दिए हैं कि ये ना ड्राई हो जाए, क्योंकि बारबेक्यू है तो इस वजह से इसका ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे राइस भी होना तब भी जरूरी होता है वैसे। सो गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर की जानिब, मतलब अभी हम चलते हैं छत पे जहाँ पापा बारबेक्यू कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारा बारबेक्यू। पापा ने वैसे मुझे कहा था कि मैंने कोई नहीं तुम्हें व्लॉग बनाने देना, लेकिन मैं जबरदस्ती आ गई हूँ। पापा इंसल्ट ना करना मेरी आवाम के सामने। ओके, अब ये कोयले जलाए हैं। अच्छा, पहले ना मैं व्लॉग में कहने लगी थी कि ये है हमारे कबाब और ये है विंग्स, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो सबको ही पता होता है कि ये कबाब है, लेकिन ये चिकन के कबाब है, बड़े गोश्त के नहीं है। और ये पीछे से ना पापा और पापा के क्या लगते हैं भांजे साहब शोर मचा रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर कीजिएगा। हमने चिकन में इसलिए बनाया है कि इस मोहतरमा को बड़ा गोश्त नहीं पसंद, लेकिन ये फिर भी नहीं खा रही। मैंने इसको वैसे कह दिया, हमने ना इसमें बड़ा गोश्त की चर्बी डाल दिया तो ये खा ही नहीं रही अब कबाब। इससे लूटना था ना सिर्फ इस वजह से इसने उसको कह दिया झूठ मूठ, तो इसने मान लिया। ये हाथ में देखी चली, पागल है मेरी बातों में आ गई है। अच्छा, इसमें तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, मुझे लगा था कि आधे घंटे में तकरीबन तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम चलते हैं नीचे और फजर कह रही हूँ ईशा की नमाज पढ़ते हैं। और मुझे ना ये आग जलती हुई बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अब पापा कोयले दहका रहे हैं, पहले मैं कह रही थी सुलगा, क्या कह रही थी मैं, सुलगा रहे हैं क्योंकि पापा ने मुझे यही वर्ड बताया था, लेकिन फूफो कह रही है दहकाना होता है, फिर मैंने कहा अच्छा चलो यही वर्ड यूज करते हैं। मेरी आंखों में जा रहा है धुआं। फाइनली हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है। सो गाइस नमाज पढ़ के मैं आ गई हूँ रेडी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ड्रेस नहीं चेंज करती, फिर मैंने सोचा नहीं कर लेती हूँ, फूफो आई हुई है तो अच्छा नहीं लगता, मतलब फूफो मेहमान तो नहीं, लेकिन फिर भी जब किसी को दावत पे बुलाते हैं तो बंदा खुद भी तो प्यारा लगना चाहिए ना, क्योंकि दूसरे भी तो प्यारे बन के आए हुए होते हैं ना, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। और ये है हमारी आयशा बाजी, इनकी कल से तबीयत नहीं ठीक, तो प्लीज आप इनकी इयादत कर लीजिएगा। मुझे ऊपर से बुलाओ। हाँ, ये बदतमीजी अब कर रही है। पहले इसने आगे कहा है कि पापा कह रहे हैं सब लोग ऊपर आ जाओ, शुगर लगाते हैं थोड़ा सा, और अब ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है, फिर इसका मेरा झगड़ा हो जाएगा। तमीज से कहो, तमीज से कह रहे हैं। मैं कह दूं पापा जी ऊपर बुला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, अब आपको दिखाते हैं ऊपर का मंजर, क्योंकि आई थिंक हाफ बारबेक्यू तो हो भी गया होगा। आयशा कह रही है सीढ़ियां चढ़ते हुए भी वीडियो बना लिया करो। मैं आ गई हूँ, इतना धुंधला नजर आ रहा है, रोशनी है नहीं, वो ये धुएं की वजह से। ये रेडी हो गए हैं हमारे कबाब और इनको पापा ने कच्चा पक्का करके रखा है। फाइनली हमारे विंग्स का फर्स्ट राउंड कम्प्लीटली कुक होने लगा, बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा है, सही तरह कुछ नजर नहीं आ रहा। ज्यादा एक्साइटेड है ये खाने के लिए। तकरीबन हाफ हमारा बारबेक्यू रेडी हो गया और ऊपर बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था, इसलिए मैं तो नीचे आ गई हूँ। और हमने मीठे में बनाया है गजरेला, मैं फ्रिज के अंदर से दिखा रही हूँ क्योंकि दस्तरखान लगेगा, फिर मुझे समझ नहीं आने कि हमने क्या दिखाना है क्या दिखाना। ये प्लेट गंदी नहीं है, इसी तरह की है और ये हमारी भी नहीं है। फूफो कह रही है इसकी वीडियो बना लो, दस्तरखान लग गया है। ये है विंग्स, तो किसका नाम हुआ आपने तो कहा, ये भी विंग्स तो कबाब का है। और ये है हमारे कबाब, पता नहीं क्यों इतने काले लगते हैं बेचारे। ये है हमारी ड्रिंक, कोक कर दिया बैन, मतलब खत्म कर दिया, अब हम ये वाली यूज करते हैं, ये होती भी ज्यादा। वैसे सब खाना खा के फारिग हो गए हैं और आयशा और इफ्रा अभी तक लगे हुए हैं क्योंकि इन बेचारों को मिला नहीं था, पापा एंड पे बनाकर लाए थे इनके लिए। और ये है अबीहा का खाना, मतलब अबीहा की प्लेट, नहीं कुछ भी नहीं है इसने, इसके अंदर वो ले गई है सारी हड्डियां, नहीं तो मैंने आप लोगों को लाजमी दिखानी थी। फूफो वगैरह तो अपने घर चली गई थी और अभी टाइम हो रहा है 11:30,
वैसे मेरी आईज में ना फ्लैश लगा था तो इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा, आई थिंक 11:30 ही हो रहे होंगे। और हमारा नेट अभी अगेन ऑफ हो गया था और अभी अभी नेट आया, तो मैंने सोचा पहले हम ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एडिटिंग करके हम रख देते हैं क्योंकि हमने ये अपलोड भी करना है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाजमी अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दें कि हम आपके लिए मजीद अच्छे ब्लॉग बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।